बारिश होते ही पानी में बह गई 6 माह पूर्व बनी पक्की सड़क, जिम्मेदारों के भ्रष्टाचार की खुली पोल, बीच से कटकर बह गया रास्ता। मूसलाधार बारिश ने क्षेत्र में कई विभागों की भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है। जगह जगह जलभराव के साथ ही सरकारी इमारतें भी बारिश के चपेट में आ गईं। और वहीं दूसरी ओर सड़कों पर गड्ढे में भरा पानी राहगीरों के लिए मुसीबत बन चुका है। आश्चर्य तो तब हुआ जब 6 माह पूर्व बनी डामर युक्त सड़क जलमग्न हो गई और आज क्षेत्र के अजीत नगर गांव के पास से निकली शारदा नहर पुल के पास से बलसिंह खेड़ा जाने वाला आज़ादी के बाद अभी 6 माह पूर्व लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया था, जिसका उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक ब्रजेश रावत ने किया था। लगभग 2 किलोमीटर डामरयुक्त मार्ग बलसिंह खेड़ा गांव से थोड़ा आगे पानी के तेज बहाव के कारण बीचों बीच कट गया, जिससे बलसिंह खेड़ा से जल अल्दो जाने वाला मार्ग बाधित हो गया। वहीं बलसिंह खेड़ा गांव के लोगों को और रास मुख्यालय आने के लिए काफ़ी दिनों से क्षतिग्रस्त अल्दो रजबाहा पुल क्रॉस करना पड़ता है। क्षतिग्रस्त पुल से 4 पहिया वाहन भी निकलना बंद हो गया। दोनों तरफ से क्षतिग्रस्त पड़े मार्ग से बलसिंह खेड़ा निवासियों के लिए दोहरी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। इन परिस्थितियों में यदि कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस नहीं जा सकती, केवल 2 पहिया वाहन ही गुजर सकते हैं, जिससे ग्रामीण असमंजस में हैं और जिम्मेदारों पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है।